Yeah, for today, means today, what we have for you today, I have for you paradise last का line number 1 से लेकर के 26 तक, जिसको मैंने, अगर आपको याद होगा कि वर्स पैराग्राफ में बताया था, क्योंकि जो पैराडाइज लास्ट है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और जो ब्लैंक वर्स का मेजर डिवीजन होता है उस, अगर किसी वर्क में इफ यू फाइंड द मेजर डिवीजन ऑफ ब्लैंक वर्स, दैट पार्टिकुलर थिंग इज नोन एज वर्स पैराग्राफ, उसको वर्स पैराग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो हियर आई लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई टॉक यू अबाउट व्हाट, व्हेन आई टॉक यू अबाउट कि दिस आर दैट, देन दैट इज अनदर थिंग, बट इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू पैराडाइज लास्ट इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी एपिक, आई टोल्ड यू, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इट हैज द थीम ऑफ टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन नंबर 26 है पैराडाइज लास्ट का, वहीं तक ही सिलेबस में रखा गया कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ईश्वर ने कैसे न्याय किया इंसानों के प्रति, जब एडम एंड ईव देवर लिविंग इन हेवन एंड दे डिसोबेड गॉड एंड गॉड गॉट एंग्री एंड थ्रू देम फ्रॉम हेवन टू अर्थ। तो दोबारा ईश्वर ने इंसानों की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स भेजे, रास्ता बनाया, तो उसी चीज का एक जिक्र किया गया है। और इसका जो सोर्स है बाइबल है, और जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिश्चियनिटी के, आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बट देर इज अ यूनिवर्सैलिटी। एंड व्हाट इज द यूनिवर्सैलिटी, वी फाइंड की अबाउट आर अर्लीस्ट फोर फादर्स, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हीवन हेल गॉड सेटन गुड इविल, दीज थिंग्स वी फाइंड इन एवरी रिलीजन इन एवरी धर्म, दीज कॉन्सेप्ट वी फाइंड, सो दैट डजंट मैटर, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एलटी, जो आपका है उसके पर्सपेक्टिव से क्या स्टडी करना क्या इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है कि वी आर गोइंग टू टेक वन, वी आर गोइंग टू टेक पैराडाइज लास्ट लाइन नंबर 1 से लेकर 26 तक। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पैराडाइज लॉस्ट इज अ ब्यूटीफुल लिटरेरी एपिक, एंड लिटरेरी एपिक इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एपिक। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, मैंने बताया था कि एपिक जो है लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स है। आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इट हैज टू टाइप्स, प्राइमरी एपिक और सेकेंड प्राइमरी एपिक, और यू कैन से कि ट्रेडिशनल एपिक, जिसका एग्जाम्पल होमर का इलियड एंड ओडिसी है, और दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया था लिटरेरी एपिक और सेकेंडरी एपिक, जिसका एग्जांपल वर्जिल का एनीड, उसके बाद आपका पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो एपिक है इट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, एंड आई आल्सो एक्सप्लेन्ड दैट एपिक का जो कंपोजिशन होता है वो ग्रांड स्टाइल में होता है, उसमें सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात कही जाती है, दिस इज ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विद यू। लेकिन जहां तक मैटर है कि व्हाट्स अबाउट पैराडाइज लास्ट, तो पैराडाइज लास्ट अल्टीमेटली इट हैज द थीम टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इट्स रिटन इन ब्लैंक वर्स, एंड यू फाइंड सम ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स, एडम ईव सन ऑफ गॉड सेटन बिल्जबब ल्यूसिफर प्रॉफेट मोसेस, एंड यू कैन से देर इज द मेंशनिंग ऑफ अ गॉड, या देर इज ऑल्सो द मेंशनिंग ऑफ अ गॉडेस, आई जस्ट आई एम मिसिंग द नेम, नॉट वीनस, नॉट वीनस, आई विल टेल यू कि उनका भी मेंशन है, या म्यूजेस, म्यूजेस। तो यू फाइंड दीज गॉड गॉडेस एंड दीज थिंग, एंड ऑल्सो यू फाइंड कि जो आपका ये वर्स पैराग्राफ है उसमें जॉन मिल्टन ये बताते हैं कि वाई ही इज राइटिंग दिस पोयम, या व्हाट इज हिज ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इस पोयम को क्यों कंपोज कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, दिस थिंग्स यू विल कम टू नो जस्ट शेयरिंग विद यू इमेज, एंड हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड दिस पार्टिकुलर थिंग दैट इज आई होप इट्स विजिबल। So, या इट्स yes, विजिबल, या इट्स विजिबल, ओके दैट्स गुड, ओके दैट्स गुड। सो यू, या प्लीज व्यू, प्लीज व्यू, सो यू विल कम टू नो द फर्स्ट लाइन दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, एंड हियर यू विल कम टू नो कि व्हाट हैज बीन टोल्ड इन द फर्स्ट लाइन।
of man's first disobedience, of man's first disobedience. Who was the man? The question is कि आदमी ने जो सबसे पहली बार डिसओबे किया, तो सबसे पहला चीज ये था कि आदमी ने, वो आदमी कौन था जिसने डिसओबे किया और किसका डिसओबे किया. तो मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस इट्स रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव. एंड एडम एंड ईव देवर आर अर्लीस्ट फोर फादर्स एंड दे डिसओबेड गॉड. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जॉन मिल्टन अ वेल नोन एपिक पोएट ही हियर टेल्स दैट कि आदमी के आने का जो सिलसिला धरती पर शुरू हुआ उसके पीछे एक कारण था. एंड व्हाट वाज दैट कॉज? दैट कॉज वाज द डिसओबेइंग. सो मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, मैन्स फर्स्ट डिसओबेइंग. एंड यू फाइंड दैट दिस डिसओबेइंग एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन फॉरबिडन ट्री. एंड इन व्हाट फॉर्म दैट दिस डिसओबेइंग हैपेंड, यू विल कम टू नो दैट डिसओबेइंग हैपेंड इन द फॉर्म ऑफ फॉरबिडन ट्री. फॉरबिडन ट्री, the tree which was forbidden ki not to take the taste of the forbidden fruit. So you will come to know ki ishwar ne jo hamare earliest forefathers the adam aur eve un sabse ishwar ne promise kiya tha ki you can move in any part of the heaven. aap heaven ke kisi bhi hisse mein move kar sakte hain, aa sakte hain, ja sakte hain, lekin you have not to do one thing. aapko ek cheez nahi karna hai. वो कौन सा चीज था? यू डोंट हैव टू टेक द टेस्ट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट. फॉरबिडन फ्रूट एक जीवन में एक फ्रूट था, एक फॉरबिडन ट्री था. और गॉड ने ये प्रॉमिस कराया था, किससे कराया था? एडम एंड ईव से. यू कैन एंजॉय, यू कैन मूव एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ हीवन, यू कैन एंजॉय द ब्लिसफुल सीट, बट यू हैव टू कीप द प्रॉमिस. यू हैव टू जस्ट जस्ट टेक एन ओथ. एंड व्हाट ओथ? That you will not take the taste of the forbidden tree. तो एक तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि what do you mean by forbidden tree? This is the forbidden tree. Forbidden tree here refers to the tree which brought mortality. जिसके फ्रूट को खाने से जो एडम और ईव जो अमर थे, वो अमर थे मतलब जो इमॉर्टल थे, वो किस में तब्दील हो गए? मॉर्टैलिटी में तब्दील हो गए. और मॉर्टैलिटी का मतलब किससे होता है? डेथ से होता है. लाइफ और डेथ के साइकिल में, लाइफ और डेथ के चक्कर में वे आ गए. तो एक कॉन्सेप्ट है, वह कौन सा कॉन्सेप्ट है? द कॉन्सेप्ट इज दैट आर अर्लीस्ट फोर फादर्स एडम एंड ईव दे वर लिविंग इन हेवन एंड गॉड allowed them, yeah, God permitted them to move anywhere, to go anywhere, to enjoy all the things that are, you can say, that is in heaven, leaving only one thing. And what was that thing? That was the forbidden tree. But what happened? Adam and Eve disobeyed God by taking the taste of the forbidden tree of forbidden fruit. And why this happened? Because Satan took the form of serpent and revolted against God and said, oh God, you love Adam and Eve very much, but I'm promising you for the sake of Adam and Eve, you exiled me from heaven. And remember it, I will just put Adam and Eve against you. This is why you will come to know that Satan took the form of serpent and whispered in the ear of Eve and said that the power of God lies in that tree, that is the forbidden tree. Therefore, you have to take the taste and you will be more powerful. This, it is said that. So here you find in the very first line ki man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste, kiska mortal taste, just I want to know kiska mortal taste tree, sir. Forbidden fruit ya forbidden tree ka taste kaisa tha? Mortal tha.
मार्टल का मतलब क्या होता है? नश्वर। नश्वर का मतलब कि आदमी जो है जिंदगी और मौत के साइकिल में बंध गया। तो हुज मार्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ, जिसके नश्वर स्वाद स्वाद ने क्या लाया, डेथ का कांसेप्ट लाया। कहाँ पर? इनटू द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स अर्थली लाइफ। तो जो आपका अर्थली लाइफ है, इस अर्थली लाइफ में डेथ का कांसेप्ट आया, किसकी वजह से आया? एडम और ईव ने जो डिसोबे किया, किसको डिसोबे किया? गॉड के आर्डर को डिसोबे किया। और गॉड का आर्डर क्या था? यू डोंट हैव टू टेक द टेस्ट ऑफ द फॉरबिडन ट्री आर फॉरबिडन फ्रूट। तो एज दे टुक द टेस्ट ऑफ द फॉरबिडन ट्री आर फॉरबिडन फ्रूट, दे टर्न इन टू द मॉर्टल क्रिएचर एंड दे लॉस्ट देयर इमॉर्टैलिटी। एंड इन दिस वे यू फाइंड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ केम इन टू द वर्ल्ड। एंड ऑल आर ओ माने सारोज, ग्रीफ, ओ ग्रीफ एग्नी। और इसी के बाद से हमारे दुखों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। एंड ऑल आर ओ विद लॉस ऑफ एडन, ओ माने तो दुख हो गया। और किसके जो है? ईडन। जैसे ही हम जो है, हम का मतलब हमारे अर्लिएस्ट फोर फादर्स ने गॉड को डिसोबे किया एंड दे टुक द टेस्ट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, यू विल कम टू नो द लॉस ऑफ ईडन। उन्होंने ईडन को क्या किया? जो ईडन गार्डन था, ईडन मीन्स अ ब्यूटीफुल गार्डन इन हेवन, दे वर लिविंग देयर। और उसके बाद से ही क्या हुआ? मौत का सिलसिला शुरू हुआ और हम धरती पर भेजे गए। हम का मतलब एडम और ईव और उनकी संतानें। और इस धरती पर किसका जो है क्या चीज शुरू हो गया? एक मौत का सिलसिला, दुख का सिलसिला, तकलीफ का सिलसिला, ट्रबलसम और पेन का सिलसिला प्रारंभ हुआ, या इंसानों के आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। सो यू फाइंड दैट कि मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री Whose mortal taste brought death into the world and all are o with loss of Eden, with loss of Eden. What did we lose? We lost Eden. And what is Eden? Eden is a beautiful garden in heaven where Adam and Eve were living. They lost it. Why did they lose it? Because they disobeyed God by taking the taste of the forbidden tree of forbidden fruit. And as they tasted forbidden fruit, they turned into mortal creature. They turned into mortal creature. Before it, they were the immortal. They were the immortal. But as they tasted, they turned into the mortal creature and sent where and sent to the world means this earthly life they started to live. और उसके साथ ही all our o हमारा सारा दुख with loss of Eden शुरू हुआ। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एनी समस्या, एनी प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर सर। नो सर, ओके क्लियर है। यस सर। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। Then you find here is what this question has been asked. So what the question you have to remember? You have to remember the first question, ki man refers to whom? Man refers to our earliest forefathers. And disobeying refers to the disobeying of God. And how our earliest forefathers Adam and Eve disobeyed God? Adam and Eve disobeyed God by taking the taste of the forbidden tree. And forbidden tree means what type of tree? As they tasted it, they turned into mortal creature. That is the forbidden tree. And what? As they turned into mortal creature, they lost heaven and sent to where? And sent to this world, this earthly life. They started to live. And all our O started with the loss of Eden. And what is Eden? Eden, a beautiful garden in heaven where Adam and Eve were living. Now, ये तो एक चीज हुआ कि ठीक है, उन्होंने गॉड को डिसोबे किया और फिर जो है इस तरह की चीज हुई। अब वहां पे आप देखेंगे टिल वन ग्रेटर मैन, तब एक महान, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वन ग्रेटर मैन इट रिफर्स टू हूम? वन ग्रेटर मैन इट रिफर्स टू जीसस क्रिस्ट। तब एक महान आदमी ने, टिल वन ग्रेटर मैन, तब एक महान आदमी, एंड दिस
one greater man, it refers to son of God, because Christianity believe into three stages, and what is into, you can say that is Almighty God, Son of God, and Angel. तब एक महान आदमी ने रीस्टोर अस हमें दोबारा बैठाया. रीस्टोर अस का मतलब कहाँ पे दोबारा बैठाया, दोबारा बैठाने का मतलब कि दोबारा स्वर्ग का रास्ता दिखाया कि हम कैसे स्वर्ग को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. रीस्टोर अस एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट एंड रिगेन रिगेन रीस्टोर अस मीन्स वन ग्रेटर मैन जीसस क्राइस्ट आर यू कैन से सन ऑफ गॉड. उन्होंने इंसानों को, एडम और ईव को और उनकी संतानों को एक रास्ता बताया कि इस रास्ते पर चल करके आप दोबारा स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं. एंड रीगेन, रीगेन माने पुनः प्राप्त करना. द ब्लिसफुल सीट, इट्स अ फ्रेज. दिस ब्लिसफुल सीट रिफर्स टू व्हाट? जॉयफुल सीट, द सीट ऑफ हीवन. इट मीन्स व्हाट डज इट रिफर? इट रिफर्स ईडन, ईडन ब्यूटिफुल गार्डन वेयर एडम एंड ईव वर living. So you find that to get that blissful seed, to get that joyful seed that refers to Eden, that was a beautiful garden where Adam and Eve were living, it was regained with the help of whom? It was regained with the help of one greater man, which refers to Son of God, means Jesus Christ. Jesus Christ helped Adam and Eve and his successors, yeah, their successors, how you can restore, how you can regain the blissful sea. Did you get it? May I know, yes, did sir. You get it? Yes, sir. Yes, yeah. Sir. Yeah. Very, very clearly, I want to explain here ki सन ऑफ गॉड जो कि जीसस क्रिस्ट थे, उन्होंने एडम ईव और उनकी संतानों को हेल्प किया और बताया कि किस रास्ते पर चल करके आप दोबारा ब्लिसफुल सीट को प्राप्त कर सकते हैं. यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ कि ब्लिसफुल सीट मीन्स जॉयफुल सीट मीन्स ईडन वेयर एडम एंड ईव वर लिविंग अर्लियर इन हेवन. And Eden is what? A beautiful garden. Kolkata ka jo stadium hai, Eden Garden, woh wahi se imagine karke banaya gaya hai. Usme bhi greenery hai, such a thing you find. Ab uske baad ye to ek section hua. Shuru ki 5 lines tak you find. John Milton ye batate hai ki kya history hai और मैं किस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के जो है मैं ये किताब लिख रहा हूँ या उसका क्रिएशन कर रहा हूँ. तो आपने देखा होगा इसमें किसका है, फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव. एंड इट्स नॉट ओनली द फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव कि एडम और ईव को स्वर्ग से निकाल दिया गया, या केवल वही एक कहानी नहीं है, बट इट्स द फॉलिंग ऑफ हूम, इट्स द फॉलिंग ऑफ ह्यूमन रेस, बल्कि ये पूरी मानव जाति से संबंधित है. उन्होंने इसमें किसी राजा का नहीं जिक्र किया, किसी रानी का नहीं जिक्र किया, किसी ट्राइब को लेकर के उन्होंने नहीं किया, जैसा कि होमर की इलियड एंड ओडिसी में है, कि एकिलेस के बारे में है, यूलिसिस के बारे में. नो, नॉट एट ऑल. उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो पूरा ह्यूमन रेस से लेकर के है. उसके बाद अब क्या करते हैं कि अब वो प्रार्थना करते, किससे प्रार्थना करते हैं, हीवेली म्यूज से, कि इतने बड़े सब्जेक्ट मैटर को मैं लेकर के क्रिएशन करने जा रहा हूँ और मुझे जो है क्या चाहिए, मुझे जो है उस गॉडेस की कृपा चाहिए जो कि गॉडेस ऑफ पोइट्री है, जो हीवेली, नॉट पोइट्री बल्कि हीवेली म्यूज है, जो स्वर्ग की देवी है. तो वही कहते हैं कि सिंग, सिंग का मतलब मैं प्रेस करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, एडमायर करता हूँ. किसकी प्रार्थना करता हूँ? हीवेली म्यूज. अभी मैंने बताया था कि इसमें उन्होंने म्यूज का जिक्र किया है, हीवेली म्यूज, गॉडेस म्यूज का कि मैं वंदना करता हूँ, या आई एडमायर, या यू कैन से आई प्रे टू हूम. आई मीन्स जॉन मिल्टन प्रे टू हीवेली म्यूज. और वो बताते हैं वह हीवेली म्यूज कहाँ पे रहती, दैट ऑन द सीक्रेट ऑफ अरेम, आर ऑफ सीनाई, जो अरेम या सीनाई की पहाड़ियों पर चुप
कहीं निवास करती है, उसका निवास स्थान कहाँ पर है? दैट ड्वेल्स अपॉन, वेयर दैट ड्वेल्स अपॉन, दैट ड्वेल्स अपॉन ऑफ अरेम और ऑफ सीनाय, व्हाट हैपेंड डिड्स इंस्पायर। और उसी हिवेली म्यूज ने जो कि अरब या सीनाय, ये क्या इज द नेम ऑफ द माउंटेन, जो वहां की पहाड़ियों पर या उस पर निवास करती है, डिड्स इंस्पायर, एक समय उसी ने प्रेरित किया था। डिड्स का मतलब पास्ट टेंस में, पास्ट की घटना, कोई प्रेरित किया था किसको? दैट शेफर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिड्स इंस्पायर दैट शेफर्ड। हियर हु इज द शेफर्ड? हियर शेफर्ड रिफर्स टू प्रॉफेट मोसेस। आई एम राइटिंग हियर, हियर शेफर्ड रिफर्स टू प्रॉफेट PHET मोसेस। सो यू विल कम टू नो कि अरब अरब सीना आई डिट इंस्पायर्ड दैट शेफर्ड, उस शेफर्ड को, हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, जो वह शेफर्ड है वो कौन से थे? प्रॉफेट मोसेस थे, और जिन्होंने पाठ पढ़ाया, हु फर्स्ट टॉट, हु इंस्ट्रक्टेड, हु टॉट द लेसन टू द चूजन सीड। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चूजन सीड रिफर्स टू हु? Chosen seed, it refers to the people of Israel. The people of Israel are Jews. Chosen seed, it refers to Jews. J-E-W-S. Jews. तो जैसा कि ये है कि ईश्वर ने समय समय पर तमाम प्रॉफिट्स को भेजे हैं। 1,24,000 प्रॉफिट्स वर सेंट बाय Almighty God to spread knowledge, to tell the truth and to tell the you can say the best way how to regain the blissful seat. उन्हीं prophet के आने के आने का जो सिलसिला था, उन्हीं में से Jesus Christ है, उन्हीं में से prophet Moses, that is also known as Musa al-Islam. So you will come to know here he tells that कि prophet Moses जो यहूदियों की का आप कह सकते हैं कि जो एक कम्युनिटी रही है उनके बीच में भेजे गए, और उन्होंने उनको बताया, क्या बताया? इन द बिगिनिंग, कि कैसे शुरू में, हाउ द हीवन एंड अर्थ, कैसे पृथ्वी और आकाश सब एक थे, रोज आउट ऑफ क्योस, और कैसे वे अलग अलग हुए, रोज आउट ऑफ क्या, कैसे एक क्योटिक सिचुएशन आया और उस क्योटिक सिचुएशन में पृथ्वी अलग हुई, स्वर्ग अलग हुआ, मतलब ईश्वर को धरती भी बनानी पड़ी। तो ये संदेश जो है लोगों को किसने बताया? जीसस क्रिस्ट से पहले इस संदेश को धरती पर अगर किसी ने बताया था तो वो कौन थे? प्रॉफिट मोसेस थे। जब प्रॉफिट मोसेस ने इस संदेश को लोगों को धरती पर बताया था तो ही वॉज नॉट ओनली द प्रॉफिट ऑफ द चूजन सीड, मीन्स द पीपल ऑफ इजराइल हुम गॉड वॉज लविंग, चूजन सीड ऑफ गॉड मीन्स ही गॉड वॉज लविंग देम एंड गॉड सेंट देम प्रॉफिट, एंड हु व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रॉफिट? प्रॉफिट मोसेस। यू विल कम टू नो ही टोल्ड द पीपल, एंड व्हाट डिड ही टेल? ही टोल्ड द पीपल हाउ द अर्थ केम इन टू एग्जिस्टेंस, and how Adam and Eve are earliest forefathers, yeah, we, the successors of Adam and Eve, once we were living in heaven, but our earliest forefathers, they disobeyed God, because serpent, Satan took the form of the serpent and whisper in the ear of mother, you can say, Eve, and this is why, what happened that God just created this earth to put us there. So, but there is another chance. God also gave, God forgave Adam and Eve, God forgave his successors and gave them a chance. If you pass your life, the particular norms which I made for you, the strict norms, surely and certainly the time will come that after your death, you will be the part of heaven. According to your karma, if you receive the result in your right hand, that is the point. Have you any problem? थोड़ा सा आपको यहाँ दार्शनिक लग रहा होगा। Yes, sir. Sir, what is the meaning of chosen seed?
Please explain again. Chosen seed, it refers to the people of Israel, means Jews, Yahudiyon ke liye aaya hai, chosen seed. Because God chose them, God loved them. Aisa kaha gaya hai ki those Jews, that community was lovable in the eye of God. They were very dear and dear in the eye of God. Okay, thank you, sir. Was they were very dear. मैं फिर से हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ. गॉड जॉन मिल्टन ये कहते हैं कि मैं इतने बड़े काम को करने के लिए एक तरह से मैं कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ. किसकी कृपा? हीवेली म्यूज की. और यह वही हीवेली म्यूज है जिसका निवास स्थान कहाँ पर है? अरब या सीना की पहाड़ियों पर. ठीक है, आप अरब और सीना. और इसी हीवेली म्यूज ने डिट्स इंस्पायर प्रेरित किया था. किसको प्रेरित किया था? दैट शेफर्ड. और यह शेफर्ड किसके लिए आया? प्रॉफिट मोसेस के लिए, जो एक पैगंबर है और ईश्वर के द्वारा धरती पर भेजे गए थे. तो वो जो पैगंबर थे, किन लोगों के बीच में उन्होंने जन्म लिया था या किस समुदाय में? चूजन सीड के समुदाय में. चूजन सीड का मतलब की पीपल ऑफ इसराइल, जो इसराइल के लोग है, जो यहूदी कम्युनिटी के लोग है, उनके बीच में वो आए हुए थे. तो उस शेफर्ड को किसने प्रेरित किया था? उस शेफर्ड को आप कह सकते हैं कि हीवेली म्यूज ने इंस्पायर किया था. लेकिन उस शेफर्ड ने टॉट किया, पढ़ाया. किसको पढ़ाया? चूजन सीड को, इसराइल के लोगों को या यहूदियों को, कि कैसे आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारे जो अर्लीस्ट फोर फादर थे वे कैसे स्वर्ग में रहते थे और कैसे उन्होंने गॉड को डिसओबे किया, तब हम धरती पर आए और दोबारा हम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने एक लिंक बनाया. कौन सा लिंक बनाया है? एक लिंक उन्होंने बनाया है कि हम उस हीवेली म्यूज की प्रार्थना करते हैं, उस हीवेली म्यूज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आलमाइटी गॉड की कृपा है. और जिस हीवेली म्यूज ने किसको इंस्पायर किया था? प्रॉफिट मोसेस को इंस्पायर किया था. और प्रॉफिट मोसेस ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, नैतिकता का बोध कराया, ज्ञान दिया और रास्ता बताया स्वर्ग को कैसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है या क्यों हम धरती पर भेजे गए. ये चीज उन्होंने किसको पढ़ाया? इसराइल के लोगों को पढ़ाया. और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे धरती आई अस्तित्व में, कैसे हमारे फोर फादर कहाँ पर रहते थे, देवर लिविंग इन हेवन. फिर उसके बाद उनका रोज आउट ऑफ क्योस. यहाँ पे अगर रोज आउट ऑफ क्या सब क्या से, व्हाट वाज द क्योटिक सिचुएशन? द क्योटिक सिचुएशन वाज द डिसओबेइंग ऑफ गॉड. गॉड गॉट एंग्री एंड थ्रू बोथ एडम एंड ईव फ्रॉम हीवन टू अर्थ. एंड दिस इज व्हाई गॉड हैज टू क्रिएट दिस पार्टिकुलर अर्थ वेयर मॉर्टेलिटी इज पॉसिबल, बिकॉज इन हीवन देर इज नो रूम फॉर इमॉर्टेलिटी. हीवन में इमॉर्टेलिटी के लिए कोई जगह नहीं है. सॉरी, मॉर्टेलिटी के लिए, सॉरी सॉरी गलत. हीवन में केवल इमॉर्टल लोग रहते हैं. फिर उनका रोज आउट ऑफ क्यास इफ सियोन हिल, करें कि जो सियोन की पहाड़ियां है, इफ सियोन हिल डिलाइट दी मोर. दी माने यू. यू किसके लिए कह रहे हैं? यहाँ पे हीवेली म्यूज के लिए कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा लगता है कि जो सियोन की पहाड़ियां है या जो है हीवेली म्यूज को बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हीवेली जो म्यूज है, ऐसा इट सीम्स दैट कि शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ अ टाइम देयर एंड सिलोवास ब्रूक दैट फ्लोस. और सिलोवा का वह झरना जो फ्लो कर गया था, बह निकला था. तो सिलोवा का झरना बह निकलने का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो सिलोवा का जो ब्रूक था, जो झरना था, वह भी क्या रिफर करता है? इट रिफर्स टू द ब्लेसिंग ऑफ गॉड. और ये दोनों जगह किसको बहुत प्यारी है? हीवेली म्यूज को प्यारी है. तो ही हैज गिवन द रेफरेंस ऑफ व्हाट? सियोन दैट इज अ हिल एंड आल्सो सिलोवा दैट इज अ ब्रूक. ब्रूक माने झरना. दीज टू प्लेसेस आर लवेबल या वेरी नियर, वेरी अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग प्लेसेस इन द आई ऑफ होम, इन द आई ऑफ हीवेली म्यूज. And you will come to know, उन्होंने आगे लिखा है, passed by the oracle of God. और ये जो सिलोवा का जो झरना निकला था, oracle माने चमत्कार. किसके चमत्कार? ईश्वर के चमत्कार की वजह से.
ये जो है मैन क्रिएटेड नहीं है, गॉड क्रिएटेड है. सिलोवा का ब्रू और साथ ही साथ सियोन हिल, दीज टू थिंग्स आर गॉड क्रिएटेड. सो मेनी थिंग्स आर हैव बीन क्रिएटेड, द होल यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड बाय अलमाइटी गॉड, बट हियर द रेफरेंस हैज बीन गिवन सिलोवास ब्रू एंड सियोन हिल बिकॉज इट हैज इट इज वेरी इट हैज सम इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग heavenly muse, and you will come to know first by the oracle of God. फिर कहते हैं मिल्टन, आई इस वजह से, देन आई मैं इस वजह से, इनवोक, इनवोक का मतलब आह्वान करना. इनवोक जो शब्द यूज किया जाता है वह एक तरह से बहुत ही बड़ी हस्ती के लिए गॉड गॉडेस के साथ इनवोकिंग, आई इनवोक गॉड, करे इसलिए मैं इनवोक करता हूँ, आह्वान करता हूँ. किसका आह्वान करता हूँ? दाई एड, आपकी सहायता प्राप्त करने की, एड माने सहायता, टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, अपने साहसिक पूर्ण गीत के लिए. वाई मिल्टन इज यूजिंग द वर्ड एडवेंचरस सॉन्ग, मे आई नो वाई जॉन मिल्टन इज यूजिंग एडवेंचरस सॉन्ग, कैन एनीवन एक्सप्लेन? एडवेंचरस सॉन्ग मींस एपिक, रेफरिंग टू एपिक सर, एपिक. Yes, it refers to epic. Yes, and it refers to what? Matchless songs. It refers to unique songs. It refers to incomparable songs. Such a type of song which has never been attempted to do in either in prose or poetry. तो उन्होंने कहा है कि मैं अब इतने महान कार्य को, इतनी बड़ी adventurous song को poetry में, पोइट्री के फॉर्म में, एपिक को मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ. दिस इज व्हाई ही इज यूजिंग द वर्ड एडवेंचरस सॉन्ग, और कहते हैं कि इसके लिए मुझे आपकी एड चाहिए. आई नीड योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प आई कांट कंप्लीट दिस हरक्यूलियर टास्क. फिर कहते हैं दैट विद नो मिडिल फ्लाइट, और मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मिडिल फ्लाइट के साथ ना आइएगा. मिडिल फ्लाइट का मतलब ऐसा ना हो कि आप अपनी कृपा की बारिश बीच रास्ते में किसी और को भी देते हुए आए. नो दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंस टू सोर, सोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान. कह रहे कि ऐसा ना हो कि आप अपनी जो है कृपा बीच रास्ते में, मिल्टन जैसे और लोग भी आपकी कृपा चाहते होंगे, तो ऐसा ना हो कि आप क्या करिए कि अपनी मिडिल फ्लाइट के साथ आइए. नो यू हैव टू कम डायरेक्टली एंड शार योर ब्लेसिंग्स अपॉन मी, और अपने जो है वो ब्लेसिंग्स की बारिश मेरे ऊपर कर दीजिए. तो उन्होंने कहा दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर अबव द ऑनियन माउंट, और ऑनियन माउंटेन से सीधे आइए. कहाँ पर आइए? मेरे पास आइए. अबव ऑनियन माउंट के ऊपर से आप आइए. डोंट टेक एनी मिडिल फ्लाइट बट कम डायरेक्टली टू पोर योर शार अपॉन मी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Onion Mount, this is the name of a mountain, and he says that it has also some significance. Therefore, don't take any middle flight. Middle flight का मतलब बीच में ना रुकिए, अपनी सारी कृपा मेरे ऊपर उड़ेल दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा टास्क अपने हाथ में लिया हूँ, जो कि ह्यूमन फॉल से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन रेस से रिलेटेड है, और इस एडवेंचरस सॉन्ग को मैं तभी पूरा कर पाऊंगा जब मुझे पूरी कृपा आपकी नसीब होगी. अबव द ऑनियन माउंट व्हाइल इट परसूज, ये लाइन पूछी जा चुकी है. व्हाइल इट परसूज, जब मैं परसू कर रहा हूँ, किस चीज को परसू कर रहा हूँ? थिंग्स अनअटेम्प्टेड ईदर इन प्रोज आर राइट, एक ऐसी चीज को परसू कर रहा हूँ अनअटेम्प्टेड, जिसको पहले किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया, येट इन प्रोज आर राइट. ना तो प्रोज में लिखने का प्रयास किया, ना ही पोइट्री में लिखने का प्रयास किया. उस तरह के सब्जेक्ट मैटर को, ऐसे सीरियस सब्जेक्ट मैटर को मैं लिया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली मेरे पास आइए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? थिंग्स ऑनियन माउंट प्लीज. या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑनियन माउंट हियर? Onion Mount, yeah, Onion Mount, whatever the reference has been given, it's all related to this particular, you can say, heavenly views. And Onion Mount, that is the highest mount, if that particular Devi crosses that mount, she
she will come directly. She will not take any middle flight. If she crosses that mountain, so she will come and just pour her blessings to whom? Upon Janmaita. This is why he has given the above the onion mount. Onion mount ke upar se hote hue aaiye. To uske upar se aane ka matlab kya hua? Ki aapko iske liye middle flight ka sahara nahi lena padega. Woh ek onion mount hai jo kaafi above hai, kaafi unchai par hai. If you cross that mount, surely you will pour your shower upon me. This is why he has given this reference. Above the onion mount, while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme. The thing which I'm going to write here, the thing which I'm going to tell here, never it was nor any person tried to tell or attempted yet to compose either in prose or rhyme. And now you get some other points, but I will leave these points. Kuch aur jo line hai, usko main bahut nahi karunga, jo ab important hoga usi ko hi. And chiefly thou, aur mukhy roop se main, wo spirit that dost prefer. Before all temples, the upright heart and pure. Instruct me, for thou knows thou from the first washed present. Sabse important, dekhi, important ka matlab sab kuch important hai, lekin yahan pe. Instruct me, thou, for thou knows thou from the first. And kare ki, and chiefly thou. Aur isi wajah se, mukhy roop se, main tumhari kirpa praapt karna chahta. Thou mane your, kiski kirpa? Goddess? Muse ki, and chiefly thou, and chiefly your, O spirit, that dost prefer before all temples. O spirit, O goddess, you prefer all the temples, all the places, and you want to go. Means there are so many people who are in waiting, who are in queue, who are waiting to get your blessings. But I just see that, I want to say, and what I want to say, the upright heart and pure. Instruct me, for thou knowest thou from the first vast present, and why mighty wings outspread dove like sand brooding on the vast abyss and makes it pregnant. What in me dark? Kuch line hai jo aapko dhyan mein rakhna, and makes it pregnant. And what is it? What me is dark? Here Milton said ki mere andar jo andhkar hai, us andhkar ko tum hata do. और क्या कर दो, प्रिग्नेंट, प्रिग्नेंट हियर डस जस्ट इनलाइटन, मेरे अंदर ज्ञान की रोशनी ला. तो इसीलिए मैंने कहा था कि आई विल टेक ओनली सम वर्ड्स, आई विल टेक ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्लेन हियर, एंड यू विल कम टू नो हियर एंड सपोर्ट टू द हाइट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट दाय इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द लास्ट लाइन आई एम गोइंग टू टेक एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. क्योंकि मेरा जो इरादा है वह ये बताने का इरादा कि कैसे ईश्वर ने न्याय किया, किसके प्रति न्याय किया. ईश्वर ने एक तरह से इंसानों के प्रति न्याय किया, और वह कौन सा न्याय था कि उन्होंने इंसानों की गलती को माफ कर दिया और उनको रास्ता बताया कि इस रास्ते पर जिंदगी बिता करके तुम दोबारा यू कैन रिगेन द ब्लिसफुल सीट. सो व्हाट डू यू फाइंड हियर? यू फाइंड अल्टीमेटली कि मिल्टन, his ambition, his desire, and what the theme he has taken, what the theme he has chosen, these things you find here. So when you go, you can just go even some words there are. But what I want to explain, yeah, what I have done, just here, instruct me, for thou knowest thou from the first, then you find and made it pregnant, what me is in dark, and justify the ways of God to men. So in this way, I have explained. And I think that you got it. If you feel any problem in any line or anything, let me know and just drop message, give your feedback also regarding class. Meet you tomorrow in the morning. Kal Sunday hai, kal main subah mein session rakhunga aur main milunga. Abhi main dusra Shakespeare tragedy ka bhi.